दोस्त के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। साथियों, सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, सबसे पहले मैं सलाम करना चाहती हूँ उन तमाम स्ट्रगल्स को जो इस देश के तमाम कोनों में हो रहा है, चाहे वो गोपालैंड का जो ऑटोनॉमी के लिए जो स्ट्रगल हो रहा है वो, या नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में जो स्ट्रगल हो रहा है अफवाह के खिलाफ और स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ वो, चाहे झारखंड और आदिवासी रीजन में जल जंगल जमीन की जो लड़ाई हो रही है, उन सारे स्ट्रगल्स को हम सलाम करते हैं। और साथियों, साथ ही मैं सलाम करती हूँ राधिका अम्मा के स्ट्रगल को और दलित की अम्मी के स्ट्रगल को जो सोशल जस्टिस के लिए रात को स्ट्रगल कर रही है और लड़ रही है। साथियों, साथ ही अभी जो इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो आजकल का जो इलेक्शन का जो सीजन है वो एक ऐसे माहौल में हो रहा है जहाँ पे राइट विंग जो फासीवादी फोर्सेस है, जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, उनका अटैक बहुत स्ट्रांगली आ रहा है हम पे और हमें दिखाई दे रहा है कि उनका ये जो गंदा जो चेहरा है ब्राह्मणिकल वो सामने आ रहा है। स्पेशली जब से केंद्र में सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम कोनों में अटैक किया जा रहा है, दलितों पे, मुसलमानों पे पब्लिकली लिंक किया जा रहा है, लिंच किया जा रहा है उनको, कभी आइडेंटिटी के नाम पे, कभी गौरक्षा के नाम पे, तो कभी बीफ के नाम पे उनको लिंच किया जा रहा है। महिलाओं का रेप होता है, महिलाओं पे एट्रोसिटीज किए जाते हैं, कभी विच हंटिंग के नाम पे, तो कभी कास्टिज्म और फ्यूडलिस्ट एटीट्यूड के नाम पे, इस पॉलिटिकल एरोगेंस के नाम पे उनपे अटैक किया जा रहा है। साथियों, जब हम इन राइट विंग फोर्सेस की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि पहले जो राइट विंग फोर्सेस का अटैक सिर्फ बाहर हो रहा था वो कैसे धीरे धीरे यूनिवर्सिटी स्पेसेस में घुस आ रहा है। आप देखेंगे कि ये अटैक शुरू हुआ था FDII में, फिर पहुंचता है रोहित पिंगला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जाता है, और हमने देखा लास्ट ईयर कैसे हमारे इस JNU कैंपस के अंदर नजीब अहमद एक स्टूडेंट हमारे बीच से गायब कर दिए जाते हैं। साथियों, हमने देखा कि ये जो ABVP RSS और BJP का गठबंधन है, हमारे जो JNU कैंपस के जो VC है वो खुद इस RSS BJP का एजेंट बने रहते हैं और वो ये राइट विंग फोर्सेस के अटैक को इस JNU कैंपस के अंदर आने देते हैं। हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसेस को खत्म किया जाता है, हमारा राइट टू प्रोटेस्ट को खत्म किया जाता है, एड ब्लॉक पे जो प्रोटेस्ट का 100 मीटर का दायरा बना दिया जाता है, रात को ढाबा बंद कर दिया जाता है। ये तमाम जो अटैक हो रहे हैं राइट विंग फोर्सेस को, बक्सा की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग जवाब देने का इन ब्राह्मणिकल फोर्सेस का, और हम ये जवाब देकर रहेंगे और इन राइट विंग फोर्सेस को ना ही इस कैंपस से बल्कि इस देश से भगा कर रहेंगे। साथियों, जब हम ये राइट विंग फोर्सेस की कैंपस में अटैक की बात करते हैं तो नजीब अहमद की बात हम जरूर कहना चाहेंगे। हम सबको पता है कि नजीब अहमद के गायब होने में किसका हाथ था, वो सिर्फ और सिर्फ आज जैसे RSS BJP फोर्सेस का हाथ था, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहूंगी साथियों कि उसके पीछे और भी लोगों का हाथ था, उसके पीछे हाथ था कुछ वैसे संगठनों का जो हमारे FJNUSC प्रेसिडेंट मोहित पांडे ने एक लेटर का सिग्नेचर किया और उन्होंने क्रिमिनलाइज किया नजीब अहमद को। उस लेटर में ये मेंशन किया जाता है कि नजीब अहमद मेंटली अनस्टेबल है, उस लेटर में ये मेंशन किया जाता है कि नजीब अहमद को हॉस्टल से निकालना चाहिए। साथियों, मैं ये याद दिला देना चाहूंगी कि अगर नजीब अहमद के गायब होने में इन लोग का हाथ है तो उन लोगों का और बाकी तमाम संगठनों का भी हाथ है। साथियों, अभी जो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो लोग नजीब के पूरे मूवमेंट को लीड किए हैं, मैं उनको ये भी याद दिला देना चाहती हूँ कि JNU कैंपस के जो तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम स्टूडेंट्स और तमाम बक्सा के साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन आए थे मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, तब ये ऐसा इससे पहले JNUSU था जो कॉमन स्टूडेंट्स को छोड़कर उस मूवमेंट को दबाया, उस मूवमेंट को क्रश किया और नजीब के दफ्तर के लिए जो मूवमेंट था उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, जब हम मूवमेंट की बात करते हैं JNU में तो मैं बात करना चाहूंगी UGC गैजेट पर। साथियों, UGC गैजेट जो लागू कर दिया गया इस साल कैंपस में, उसका भी हमको पता है उसके पीछे किसका हाथ है। ये जो BJP सरकार बैठी हुई है सेंटर पे, वो एजुकेशनल स्पेसेस को क्रश करने की कोशिश कर रही है और लगातार अटैक कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो ISSFI सेंटर पर बैठी हुई, हमारे JNUSU में बैठी हुई थी, उन्होंने क्या किया इस UGC गैजेट के खिलाफ, क्यों वो कॉमन स्टूडेंट के साथ नहीं आए जब ब्लॉकेट होता है जिसमें बक्सा, OBC फोरम, DSU और तमाम और इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व थे वो लोग जब मूवमेंट खड़ा करते हैं तो क्यों हमारे साथ ये ISSFI जैसे संगठन साथ नहीं देते हैं, क्यों हमारे प्रोटेस्ट को अनडेमोक्रेटिक कहते हैं, जब हमारे स्टूडेंट हमारे बक्सा के साथ साथ दूसरे जो इंडिविजुअल स्टूडेंट को सस्पेंड किया जाता है तो क्यों वो सस्पेंड स्टूडेंट के साथ नहीं आते हैं। साथियों, इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा
बदलाव जो उनके समान ये जो गंगा ठाकुर और साबरमती ठाकुर को नेचुरल बना के रखने का जो दावा करते हैं और जिसके कारण इनएक्सेसिबल बना कर रख देते हैं। तमाम लाइब्रेरीज है, तमाम सेंटर्स के जिसमें लिफ्ट नहीं है और पीडब्ल्यू के स्टूडेंट उसको एक्सेस तक नहीं कर सकते हैं वैसे लाइब्रेरीज को, उसके बारे में कब इस कैंपस में बात की जाएगी, कब होगा कि ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोग हैं उन लोगों को वोट बैंक नहीं बल्कि उनके इश्यूज को इश्यूज की तरह मेन स्ट्रीम में लाकर रखा जाएगा। साथियों और भी कई इशू है, और इशू है ड्रॉप आउट का और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का। इस कैंपस में जो तमाम वामपंथी संगठन जो क्लेम करते हैं कि वो लोग इस कैंपस में रिवोल्यूशन लाए हैं, जो लोग क्लेम करते हैं कि आज अगर हम इस कैंपस में खड़े हैं तो उनके बदौलत खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्या कर लिया है इस कैंपस में कि आज भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होता, आज भी ओबीसी के फैकल्टी नहीं रहते हैं टीचर्स में। साथियों उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें, मुद्दो प्रश्न का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बजाय ये जेडीएसयू में बैठे ऐसे समाज जैसे संगठन कंडोलेंस मील करते हैं और मुद्दो प्रश्न के डेथ को इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का दर्जा तक नहीं देते हैं। जब कैंपस में जब ओबीसी एससी एससी ओबीसी पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स को बायो में कम मार्क्स दिया जाता है, उन लोग को सब्जेक्ट में कम मार्क्स दिया जाता है और ड्रॉप आउट करने के लिए फोर्स कराया जाता है, तब ये लोग चुप क्यों रहते हैं? साथियों ये तो सब लोग क्लेम करते हैं कि जेएनयू का जो कैंपस है वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, मैं पूछना चाहती हूँ किसका प्रोग्रेसिव जैसा बात कर रहे हैं, ये किसका प्रोग्रेसिव जैसा बात कर रहे हैं जहाँ से आज भी जो समाज के लोग हैं उन लोग को दबाया जा रहा है, पूछा जा रहा है और उनके बिहाफ पे लोग बातें रख रहे हैं। साथियों मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं जेंडर के सवाल पे कुछ बात बोलना चाहती हूँ। साथियों यहाँ पे कुछ संगठन है जो लोग ये कहते हैं कभी महिलाओं को शेरनी का दर्जा देते हैं, कभी महिलाओं को गौ माता का दर्जा देते हैं, तो कभी भारत माता का दर्जा देते हैं। एट द सेम टाइम बीजेपी सरकार ऐसे लॉ पास कराती है जहाँ पे दाउरी एक्ट जो है उसको लीनियंट बनाने की बात की जाती है, जहाँ पे मराइटल रेप को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया जाता है और इसी से पता चलता है कि ऐसे संगठनों का जेंडर को लेकर क्या स्टैंड है। लेकिन साथियों मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो संगठन जेंडर जस्टिस का फ्लैग बेयर समझते हैं खुद को, वो लोग चित्रलेखा के उसमें केस में क्यों शांति बनाए रखते हैं, वो लोग हालिया के केस में शांति क्यों बनाए रखते हैं, वो लोग उस केसेस को क्यों नहीं उठाते हैं? जो लोग जेंडर जस्टिस के फ्लैग बेयर होते हैं, दो साल से जीएस कैश ने कहा इलेक्शन नहीं होता है कैंपस में, वो लोग उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? साथियों इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूंगी कि बाबा साहेब ने भी कहा था कि एक सोसाइटी का जो प्रोग्रेस होता है वो उस महिलाओं का कितना प्रोग्रेस हुआ है उस सोसाइटी से उससे मेजर किया जाता है, और हम लोग उसी बाबा साहेब की आइडियोलॉजीज को लेकर आगे चल रहे हैं, हम लोग उन तमाम लीडर्स की आइडियोलॉजीज को लेकर आगे चल रहे हैं जो लोग बात करते हैं सोशल जस्टिस की, जो लोग बात करते हैं जेंडर जस्टिस की। बाबा साहेब से लेकर फूले तक, सावित्रीबाई फूले से लेकर फातिमा शेख तक और मंडल से लेकर कांची राम तक, बिरसा मुंडा से लेकर सीधो कान्हो तक, ये तमाम हमारे आइडियोलॉज हैं जिनके दिखाए गए जो रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग एक मूवमेंट स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा करने की बात कर रहे हैं जो मूवमेंट बात करती है सोशल जस्टिस की, जो मूवमेंट बात करती है जेंडर जस्टिस की। साथियों ये हम लोग बक्सा की तरफ से यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस का नारा लगाते हैं, ये जो यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस है ये लेफ्ट यूनिटी की तरफ फेक यूनिटी नहीं है, क्योंकि ये यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस जो है ऑर्गेनिक यूनिटी की बात करती है। साथियों ये जो लेफ्ट वामपंथी संगठन आईएसएफआई जैसे संगठन है, हम लोग जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे साथियों तो ये वही संगठन थे आईएसएफआई जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी, और वो लोग तब कास्टिस बेनेविलेंस दिखाकर और अपना कास्टिस एलिगेंस दिखाकर हम लोग को इग्नोर किया था, बक्सा को एक दूसरे को भी इग्नोर किया था। साथियों जब दूसरी बार हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो ये सोनू मोनू साथ में आते हैं, गमला लग जाता है, वो लोग उसको हटा नहीं पाते हैं और ये लोग बात करते हैं फांसीवाद को रोकने की।
साथियों, जब फांसीवाद को रोकने की बात आती है तो लोग रस्ते पे उतर कर लड़ाई करने की बात करते हैं। जब फांसीवाद से लड़ने की बात आती है तो सरकार के खिलाफ लड़ाई की बात होनी चाहिए, लेकिन इनका फांसीवाद का लड़ाई क्या होता है? इनका फांसीवाद का लड़ाई होता है हाथ में स्मार्टफोन कैमरा और फेसबुक का एक अकाउंट को हराने की बात करते हैं। साथियों, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, बच्चा की तरफ से हम लोग ये जो यूनिटी ऑफ द ऑपरेस का कॉल लिए हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो तमाम हमारे कम्युनिटी में ऑपरेस सेक्शन से लोग आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो SC ST OBC हो, माइनॉरिटीज हो, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो सेक्शुअल माइनॉरिटीज हो या रेशियल माइनॉरिटीज हो, वो तमाम जो ऑपरेस सेक्शन के लोग हैं, जो लोग को हमेशा मेन स्ट्रीम से वंचित करके रखा जाता है, हमेशा से मेन स्ट्रीम से हटा कर रखा जाता है, दबा कर कुचल कर रखा जाता है, हम उन सारे मार्जिनलाइज लोगों की वॉइसेस की बात कर रहे हैं। और हम ये नहीं दावा करते हैं कि हम सबको रिप्रेजेंट करकर सबका आवाज बनकर बाहर आएंगे, हम ये दावा करते हैं कि जो तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन है वो बाहर आए और वो अपनी, और ये जो होता है ना, एक मुसलमान एक मुस्लिम लड़की अगर बात करेंगे तो आप अपने मुस्लिम लोगों के सामने रख देंगे, इसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। साथियों, स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर। किसी के साथ मैं अपील करती हूँ कि बस सदा ये जो यूनिटी ऑफ स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर।